Hi guys, welcome back to today's vlog. Good morning guys. So आज का व्लॉग स्टार्ट करना सीधा जूस की दुकान से। मैंने आज से जंक फूड खाना बिल्कुल खाने का बंद कर दिया है। आज से बिल्कुल मैं एकदम संस्कारी बच्चा मम्मी का लाल लाल बन गया। तो सुबह सुबह खड़ा हूँ फास्ट फूड की शॉप पे। तो आज से हेल्दी लाइफ स्टाइल गाइस। सो गाइस ये जूस मेरे कैमरामैन के लिए रिफ्रेशिंग गाइस। आत्मा तृप्त हो गया। तो गाइस आज आपका भाई चैलेंज करने वाला है और चैलेंज क्या है कि आज मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा। आपने देखा मैंने आज जो डे का स्टार्ट किया है वो ही मैंने आज जूस पी के किया है। तो अब आज का दिन मेरा यही है और मैं घर से आज ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आया हूँ। मम्मी ने जो खाना दिया उसी को खाया। तो मैं देखता हूँ कि क्या आज मैं मम्मी के दिए हुए खाने पे सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मम्मी ने आज मुझे साग और दो रोटी दी है जो कि मैं लंच में खा लूँगा। और उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि अभी जैसे मैं ऑफिस जाऊँगा और चीज़ें करूँगा तो क्या मुझे भूख लगती है, क्या मैं मतलब अपने चीज़ों पर कंट्रोल कर पाता हूँ और अगर खाता भी तो क्या खाता हूँ। तो अब स्मार्ट बाइक के पॉइंट पे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से लेंगे स्मार्ट बाइक और जाएंगे ऑफिस तक राइड करते हुए। और इतने जो जूस पिया ये भी डिटॉक्स हो जाएगा, जो भी होना है इसका हो जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या मुझे भूख लगती है। तो यही है आज का चैलेंज बिना जंक फूड खाए हुए, मतलब बिना बाहर के खाए हुए। जैसे मैं बार बार हल्दीराम चला जाता हूँ, कभी कुछ चला जाता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ। मेरे घर वालों को भी यही आज का ब्लॉग देखते हैं तो यही बोलते हैं कि भैया तो बाहर का ही खाता रहता है, बाहर का ही खाता रहता है। तो इसलिए आज मैंने ये चैलेंज लिया कि आज मुझे बाहर का नहीं खाना है। हालांकि जूस मैंने पिया है लेकिन वो हेल्दी है। तो जो भी खाना है अगर बाहर का खाया भी तो हेल्दी खाना है, यानी कि जंक फूड खाना है। तो यही चैलेंज है। तो चलो बाइक को पहले कर लेते हैं अनलॉक, उसके लिए ब्लॉक को यहीं पर रोकना पड़ेगा। I'm all set to ride my bike। और आज का चैलेंज आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। और आप लोगों को अगर मैं कहीं पे भी रोमांची करता ना तो कमेंट बता देना कि भाई तुमने यहाँ पर रोमांची करी है तो तुम्हारा ये चैलेंज किसी काम का नहीं है। तो चलो अब स्मार्ट बाइक को राइड करते हैं और ऑफिस तो टाइम से पहुँच चुका हूँ मैं। तो गाइस आज आपने कुछ नोटिस नहीं किया गाइस, न्यू शर्ट गाइस, न्यू शर्ट। पापा को बर्थडे गिफ्ट में मिली थी मैंने पहन ली गाइस। तो चलता रहता, चलो चलते हैं। जैसे अब सितंबर ख़त्म होने को है और अक्टूबर शुरू होने को है तो थोड़ी थोड़ी जो धूप से है ना अभी चुभ नहीं रही है, ये धूप अब अच्छी लग रही है। तो इट मीन्स ठंड आने वाली है गाइस। ये जो मैं रास्ता लेता हूँ ना ये है शॉर्टकट, ये आपका मानसिंह रोड से ही पूरा जामनगर हाउस है उसका ये पूरा ये एरिया है। तो यहीं से हम चले जाते हैं, सीधा निकल जाते हैं UPSC की तरफ। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं UPSC वाले स्मार्ट बाइक के पॉइंट पे। सो गाइस दिस इज माय पॉइंट। सो गाइस UPSC लेन ये सारा कचरा यहाँ से उड़ जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। लंच का टाइम हो गया। सो गाइस लंच का टाइम हो गया और देख लो मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ बाहर का, ऐसे ही निकल जाऊँगा यहाँ से। दोस्तों अभी तक मतलब मैंने लंच तो कर लिया अपना जो मैं मम्मी ने दिया था, बट मैं बाहर का अब कुछ नहीं खाने वाला। आज का यही चैलेंज है। तो अभी तक तो उन्हें अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है। और अब हम जा रहे हैं RK पुरम अपने दूसरे वाले ऑफिस में। सो गाइस रोड क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है UPSC वाले रोड पे। देख रहो बंदे भाई साहब रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों इस वक्त में पहुंच गया हूँ RK पुरम सेक्टर 6 की मार्केट में और देख रहो ये देखिए मैं यहाँ भी कुछ नहीं खा रहा हूँ गाइस। गाइस अभी ना मैंने गलती से मैं अपना चैलेंज ही भूल गया था और गलती से मैंने माजा खरीद ली थी, फिर मुझे ध्यान आया मैंने गाइस को प्रॉमिस किया हुआ है कि आज मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये देखो फ्रेश जूस पी रहा हूँ मैं और ये मैं दे दूंगा किसी को। देखो आज मिला है हिंदी दिवस
के उपलक्ष्य में मुझे ये सब, बट मैं ये भी नहीं खा रहा हूँ। ऐसा ली थी ना, जो भी बैग के अंदर रख ली थी, और ये देखो जो वहाँ से बॉक्स मिला है वो भी मैंने बैग के अंदर ही रखा है। मैंने कुछ नहीं खाया है, जैसे जो घर से खाना लेके आया था तो वो मैंने खा लिया था, ठीक है, साग दिया था मम्मी ने। तो अभी तक तो मैं अपने चैलेंज को खाया, अभी तक तो मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, और आप लोग सोचेंगे मैं क्या खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ होम्योपैथी की गोली। आज आपने देखा मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, मतलब बाहर का। मैंने आज जो अपना मॉर्निंग में अपने लिए जो चैलेंज करा था ना, तो वो ऑलमोस्ट मैं कम्प्लीट ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं। अब ट्विस्ट क्या है, आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, तो उसके लिए मैं आ गया हूँ H&M पे, थोड़ी सी शॉपिंग करता हूँ उसके लिए। और अब आपको पता है कि बर्थडे है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत पार्टी तो होगी। अब आप देखना मैं वो भी कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो यही मेरा आज का चैलेंज है, तो चलो आज पहले उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। तो गाइस H&M में आ गए हैं, तो ये तो है गर्ल्स का सेक्शन, हमें देखना बॉयज। सो कैमरा पर्सन आप भी अपने लिए कुछ देख सकते हैं। ये देखो, यू आर लुकिंग लाइक दिस पैंट्स, यू कैन बाय दिस फ्रॉम माय साइड, वाना टेक टेक इट। अच्छा, पैसा अच्छा लग रहा है लेकिन। तो गर्ल्स फिलहाल तो हमने बहुत हाई के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन देखो 799 आपको ये वाला क्या है, तो पोलो नेक टॉप बोलते हैं, देखो ये मिल जाएगा। और ये क्या है, ये देखो भाई क्रिसमस सेंटा क्लॉज, रंग बिरंगे कलर्स के शॉर्ट्स मिल रहे हैं, बढ़िया है, सही में रंगी शॉर्ट चीज मिल रहा है। देख लिया मैंने भाई के अकॉर्डिंग, तो गाइस H&M में शॉपिंग करने के लिए गए थे, पर वहाँ के जो डिज़ाइंस वगैरह हैं वो थोड़े से ना सिंपल एंड सोबर वाली तरह का उनका कलेक्शन ज़्यादा है, जो कि मेरे भाई को पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बार कोप पे जाके और देख लेते हैं। तो अभी हम कोप की तरफ ही जा रहे हैं। तो H&M में चीज़ें तो अच्छी हैं, बट ये है कि सिंपल एंड सोबर चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, और जिस तरह की चीज़ें मेरे भाई को पसंद है शर्ट्स वगैरह, वैसा तो कुछ वहाँ मिल ही नहीं आता। वहाँ तो अल्लू अर्जुन वाली शर्ट्स मिल रही थी, और उनका प्राइस भी थोड़ा सा हाई था, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे मतलब वहाँ पे इसलिए मैंने नहीं सोचा कि चलो यहाँ से शॉपिंग कर लेता हूँ। तो एक बार कॉम में और देख लेते हैं वहाँ पे क्या प्राइस है, क्या रेंज है, और क्या डिजाइन है, तो मैं कंसिडर कॉम। सो गाइस पहुँच गए कॉम में, सिटी में खराब थे इसलिए एच ब्लॉक के अंदर। तो चलो आप चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे कलेक्शन। सो गाइस शॉपिंग हो गई है कॉम से, और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं, और काफ़ी मतलब पॉकेट फ्रेंडली मैं कहूँगा, और कलेक्शन में देखते हैं। तो चलो चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। सो गाइस घर पे पहुंच गए हैं, और अब चलो मम्मी से बात करते हैं कि मम्मी ने आज खाने में क्या बना लिया, और अभी थोड़ी देर में केक कट करेंगे थोड़ी देर में, और तब तक के लिए मम्मी से पूछता है कि आज मम्मी का क्या प्लान है, क्या मम्मी आज बना रही हैं।
सो मम्मी आज क्या बन रहा है खाने में? पूरी सब्जी। सो गाइस मम्मी बना रही है पूरी सब्जी। क्या बात है, क्या है आज? बर्थडे है। तो सब्जी में क्या बना रही हो? साग तो सुबह बनाया था। शाही पनीर बनाया? शाही पनीर तुमने घर में बनाया बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। सो गाइस शाही पनीर बाहर से आ रहा है। और क्या आ रहा है बाहर से? वो दाल मखनी कह रहा था शायद। सो गाइस शाही पनीर और दाल मखनी दो तीन सब्जी मतलब बाहर से आ रही है। और मैं के खाने वाला हूँ आलू टमाटर। सो गाइस क्योंकि आज आपको पता है मैंने पूरे दिन में बाहर का कुछ भी नहीं खाया, तो इसलिए मैं शाम को भी अब ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। तो ये देखो मेरे लिए बन रही है चपाती, और पूरी भी नहीं खाऊंगा मैं तला हुआ, ठीक है? तो चपाती में खाऊंगा और आलू टमाटर की सब्जी में खाऊंगा। तो चलो आप थोड़ा सा केक कटिंग कर लेते हैं नीचे। थोड़ा पीछे कर रही हो Happy birthday! डांस तो कर ले थोड़ा। लोग मारेगा। अरे वाह मजा। केक कैसा है? बढ़िया बहुत अच्छा। सो गाइस अब उसके जो शर्ट गिफ्ट के लिए लाए थे वो लेते हैं। तो गाइस उसमें छोटे भाई को गिफ्ट तो दिया है। ये हमारी फिक्स है। बढ़िया। सो गाइस गिफ्ट हैंड ओवर कर दिया। चलो अब घर का खाना खाएंगे। चीटिंग नहीं कर। बिखर गई। ट्राई नॉट टू ईट आउटसाइड फूड चैलेंज पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ। ये देखो मैं घर की रोटी और घर की सब्जी खा रहा हूँ। ये देखो सब बाहर का खाना खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा हूँ आज। ये देखो ठीक है। ये देखो गाइस शाही पनीर दाल तड़का कढ़ाई पनीर प्याज और ये पूरियाँ रखी हैं भाई साहब। तो चलो खाना वाना खा लेते हैं, ठीक है? मेरा तो ये है। सो गाइस ये देखो आ गई है बटर स्कॉच की आइसक्रीम, लेकिन मेरा चैलेंज है मैं तो आज ये भी नहीं खाऊंगा। सो गाइस व्लॉग में आप यहाँ तक पहुँच गए, तो गाइस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आज व्लॉग आपको कैसा लगा। सो दिस इज आवर फेवरेट गौरव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ। सो सी यू, टाटा, बाय बाय।